और अब कानपुर से आपको बड़ी खबर बता दी, अब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच होगी। बड़ी खबर कानपुर से, सोमवार से शुरू होगी कोरोना वायरस की जांच। आपको बता दें कि शासन ने बढ़ते हुए मामले को देखकर जांच कराने का निर्णय लिया। लैब निर्माण के लिए आपदा राहत कोष को दिए गए हैं 1.2 करोड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सारिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, कानपुर वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि कानपुर शहर में अभी ये जांच नहीं हो सकती थी, रोजाना लोगों के सैंपल लेकर लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा जाता था, यहाँ पे जांच होती थी और उसके बाद जब रिपोर्ट आती थी तभी पता चलता था कि कोरोना का जो मरीज है वो कौन है। इसके अलावा अब ये जो जांच है ये कानपुर मेडिकल कॉलेज में होगी और इसके लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1.2 करोड़ रुपए का पैसा भी दिया गया है, जिसके बाद ये जो लैब है ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट मंगाई गई थी, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट भी किया गया है, ट्रायल हो गया है और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो दिल्ली मेडिकल कॉलेज में भेज दी गई है और वहाँ सब से जो रिपोर्ट है वो कल आएगी रविवार को और सोमवार से ये लैब शुरू हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए सारिका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर अब कानपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी। सोमवार से शुरू होगी कोरोना वायरस की जांच।